नमस्कार, मैं भाग्यश्री। इनबीसी न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7.56% के उच्च स्तर पर राज्यों की उधारी लाकर चालू वित्त वर्ष में डेट मार्केट से जुटाए 3.8 लाख करोड़। हल्दी बोर्ड का हुआ गठन, $1 अरब के निर्यात का लक्ष्य। सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। बोर्ड देश में हल्दी और इसके उत्पादों के विकास के साथ निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देगा। हल्दी के स्वास्थ्य से जुड़े लाभ को लेकर दुनिया भर में इसको लेकर काफी संभावनाएं और रुचि है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2030 तक हल्दी निर्यात को मौजूदा के 1,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,400 करोड़ रुपए करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक समारोह में बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी और केंद्र ने बुधवार को प्रस्ताव को अधिसूचित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति MPC की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। इस 3 दिवसीय बैठक में नीतिगत रेपो दर की मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी। बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा शुक्रवार को RBI गवर्नर करेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि MPC की बैठक में रेपो दर को एक बार फिर स्थिर रखे जाने का फैसला लिया जा सकता है। मुद्रास्फीति की स्थिति और मौजूदा वैश्विक कारकों को ध्यान में रखते हुए MPC रेपो दर को 6.5% पर ही बरकरार रख सकती है। रिजर्व बैंक ने पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद बदली हुई परिस्थितियों में रेपो दर में बढ़ोतरी का सिलसिला मई 2022 में शुरू किया था। नीतिगत ब्याज दर में बढ़ोतरी का यह सिलसिला फरवरी 2023 तक जारी रहा। इस दौरान रेपो दर 4% से बढ़कर 6.5% पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। एकीकृत लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता कंपनी कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड का सार्वजनिक निर्गम शुक्रवार 6 अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी का इरादा इस IPO के मार्फत 24.95 करोड़ रुपए एकत्र करना है। कंपनी के शेयरों को NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। निर्गम में कंपनी अपने 10 रुपए संभाव वाले 32,40,000 इक्विटी शेयर 77 रुपए के फिक्स मूल्य पर बेचेगी। आवेदन के लिए लॉट साइज 1,600 इक्विटी शेयर रखी गई है। निर्गम 10 अक्टूबर 2030 को बंद होगा। इस निर्गम की प्रबंधक फेडेक्स सिक्योरिटीज है। कमिटेड कार्गो के निदेशक एवं CEO ने कहा कि हमने 1998 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक लंबी दूरी तय की है। IPO से प्राप्त राशि का उपयोग हम कारोबार विस्तार के लिए करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। GST काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने एक दर्जन से ज्यादा वस्तु पर टैक्स की दर घटाने की मांग खारिज कर दी है। इसमें EV लिथियम आयन बैटरी पर टैक्स की दर 18% से कम करके 5% करने की मांग शामिल है। कमेटी ने तंबाकू और बीड़ी पर एक समान लेस लगाने की मांग को भी फिलहाल टाल दिया है। कमेटी की सिफारिशें 7 अक्टूबर को GST काउंसिल की 52वीं बैठक में रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। तीसरे तिमाही की पहली साप्ताहिक ऋण नीलामी में राज्यों की उधारी लागत में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। यह 10 आधार अंक बढ़कर 23 सप्ताह के उच्चतम स्तर 7.56% हो गई है। कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही की पहली साप्ताहिक ऋण नीलामी में 14 राज्यों की ओर से 22,500 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके जुटाए गए हैं। ICRA रेटिंग्स में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने तीसरी तिमाही की पहली साप्ताहिक ऋण नीलामी में सभी अवधियों के कट ऑफ में भारी वृद्धि देखी गई है। इसके कारण वेटेज एवरेज कॉस्ट 23 सप्ताह के उच्चतम स्तर 7.56% पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते 7.46% पर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 7.56% के उच्च स्तर पर राज्यों की उधारी लाकर चालू वित्त वर्ष में डेट मार्केट से जुटाए 3.8 लाख करोड़। हल्दी बोर्ड का हुआ गठन, $1 अरब के निर्यात का लक्ष्य। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।